अंतिम ऑप्शन भारत। मित्रों, प्रत्येक एपिसोड के भांति आज जिस विषय के ऊपर मैं चर्चा करना चाहूंगा, आज का मेरा चर्चा का विषय है अखरोट। बेसिकली ये ब्रेन फूड्स के नाम से जाना जाता है और मैं आपको इसके कुछ हैरत अंगेज एक्चुअली ऑप्शन भारत जिस तरीके से किसी न किसी ऐसे चीज़ों के ऊपर चर्चा करती होती है जो काफ़ी रेयर होते हैं, तो उसी रेयर के दौरान मैं आज आपके बीच में अखरोट के कुछ ऐसे चीज़ें आपके बीच में बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि अखरोट में अल्फा लिनोलिक एसिड और कॉपर और सेलेनियम एक इस तरीके की चीज़ पाई जाती है जो ब्लड के क्लॉटिंग को रोकने में बड़े कारण है। मित्रों, आज के डेट में जिस युग में हम लोग रह रहे हैं, उस युग में जहाँ ब्लड क्लॉटिंग एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, उस ब्लड क्लॉटिंग को अगर हम स्टॉप करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने कोलेस्ट्रॉल की जो LDL लेवल है उसको HDL लेवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कोलेस्ट्रॉल को LDL से HDL लेवल पे ले जाने के लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई पृथ्वी के ऊपर अगर कोई इलाज है तो ये अखरोट है। बेसिकली मुझे कुछ लोगों के बीच में ऐसे फ़ोन आते थे, कुछ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कुछ IPS लोगों के जो फ़ोन आते थे कि ओपी सिंह जी, हमें अनिद्रा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरा ये मैसेज खास तरीके से उन लोगों के लिए है कि अनिद्रा वाले लोगों के लिए, डिप्रेशन से बचने वाले लोगों के लिए केवल 30 ग्राम, एक मुट्ठी अगर हम बेसिकली इसके बारे में बता दूं कि वेन एवर यू शू टू यूज इट, आप उसी टाइम इसको तोड़ें, क्योंकि तोड़ने के बाद इसकी जो कार्यरत क्षमता होती है वो खराब होती है, तो इसको यूज करने के पहले तोड़ें 30 ग्राम, मतलब एक मुट्ठी। अगर आप सुबह खाली पेट इसको लेते हैं तो आपके हार्ट से ब्लड क्लॉटिंग्स और हार्ट के जिस भी तरीके के डिजीज को प्रिजर्व करता है। अनिद्रा के लिए आप सोने के पहले 2 गिरी, अगर आप इसको सोने से 1 घंटा पहले आप यूज करते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। एक एंटीऑक्सीडेंट होने के तहत ब्लड वेसल को ये इतना अच्छे तरीके से सुधारने में कार्यरत है, एक type 2 diabetes के लिए सबसे कार्यरत है। कई लोगों के पास ऐसा आता है कि मैं डायबिटिक हूँ तो मेरी डायबिटिक 400 चली जाती है, 250 चली जाती है, 300, कुछ नहीं। यू हैव टू यूज ओनली 1 pieces डेली। अगर आप केवल 1 pieces अच्छे अखरोट का सेवन करते हैं तो आपका type 2 diabetes को कंट्रोल करता है। और मैं आपको ये चीज और बता दूं कि बचपन से हम लोग सुनते रहते थे और आपको जान के बड़ी हैरानगी होगी कि अखरोट को जब आप तोड़ते हैं तो इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है, नेचर ने इसको ब्रेन के जैसा बनाया है, इसीलिए इसको ब्रेन फूड या मेमोरी पावर एनर्जी बूस्टर के नाम से जाना जाता है। भारत के अलावा जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं जहाँ पे अखरोट की मात्रा नहीं पाई जाती, वो लोग इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से इम्पोर्ट करके अपने आप में इसको ब्रेन मेमोरी पावर के तरीके से यूज करते हैं। मैं फटाफट फिर आपसे दोबारा एक बार समरी को आऊँगा। ब्लड क्लॉटिंग को स्टॉप करना, हार्ट के डिजीज को स्टॉप, ओमेगा 3 है इसके अंदर तो कोलेस्ट्रॉल की LDL लेवल को वो तुरंत अच्छा करती है HDL लेवल के ऊपर। हार्ट अटैक से आप बच सकते हैं, डिप्रेशन के लिए ले सकते हैं और एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ब्लड का वेसल, आज के जीवन में जहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम है, आप कोई भी मेडिसिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए लेते हैं, स्टोरबस्टैन लेते हैं, अगर आप प्लेग्रीन लेते हैं, एम्बलेस लेते हैं, इस तरीके की दवाइयाँ जो हैं, मैं किसी दवाइयों के प्रति किसी तरीके का कोई कष्ट या किसी तरीके की कॉन्ट्रोवर्सी नहीं रहना चाहता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो दवाइयाँ जो ब्लड के क्लॉटिंग को पतला करने के लिए कार्यरत है, सिद्ध होती हैं, उसके लिए केवल 30 ग्राम डेली, और कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, ये केवल 45 दिन की प्रोसेस होती है। तो मैं बार बार आपको कहना चाहूँगा कि जो मेरा आज का ये इशू रहा है, जो मैं ये आपको बताना चाहता था कि अखरोट के ऊपर, तो निरोग रहें। अच्छा, एक और चीज़ बताना चाहूँगा, साइरसिस आने वाले 50-60 सालों के बाद जो इंडियन मेडिकल काउंसिल और आयुर्वेद ने जो अपनी फॉरकास्टिंग दिया है कि साइरसिस की बीमारियाँ इतनी ज़्यादा होंगी कि लोग उसी से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, इवन कि ये घातक और जानलेवा भी होएगा। तो बी सिक्योर, बी क्योर, मेरे मित्रों, मेरे जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं उन लोगों को ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप ऑप्शन भारत के तहत जुड़े रहें। और सबसे ज़्यादा नमन करना चाहूँगा उन डॉक्टरों का, उन 27 राज्यों के उस चिकित्सकों का, उन प्रशासनिक अधिकारियों का, उन मेरे मित्रों का, उन मेरी बैकअप टीम का, उन मेरे फॉलोवर्स का जिन्होंने मुझे सोशल मीडिया पे ले आने के लिए इतनी तत्पर करी, मेरे सब्सक्राइबर्स इतने ऊपर ले आए, मेरी इतनी व्यूज टाइम्स उन्होंने दिया। तो मैं फिर दोबारा आग्रह करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे आप कहीं भी, अगर आप ट्विटर ऑप्शन भारत, फेसबुक ऑप्शन भारत, व्हाट्सएप ऑप्शन भारत, ट्विटर के साथ साथ आप सबसे बेहतरीन तरीका जो आज के डेट में इंस्टाग्राम ऑप्शन भारत,
और YouTube ऑप्शन भारत पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। किसी को भी किसी तरीके की अगर कहीं भी कोई ऐसी परेशानी होती है तो आप ऑप्शन भारत के जो चिकित्सक हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ निरोग रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।